आज हम बना रहे हैं सूजी के अब्बे, और वो खाने में टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है और आसानी से बन भी जाता है। उसके लिए ऑब्वियसली बात है, हमको सूजी चाहिए, फिर दही चाहिए, फिर नमक और अदरक का पेस्ट चाहिए, गरम मसाला, प्याज और मिर्च चाहिए। तो इसको एक जगह इकट्ठा करना है, मैं कर लेता हूँ। और अब हमको इसको ऐसे मिक्स करना है कि ये ज़्यादा थिक भी ना हो और ना ज़्यादा पतला हो। मैं अभी इसको मिक्स करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अभी इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो इसके अंदर हम ज़रा सा पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको 15 मिनट छोड़ देंगे इसको फर्मेंट होने के लिए। मैं अभी जल्दी मिक्स कर लेता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको 15 मिनट के अंदर। तो हमारे सूजी भून चुकी है, इसमें हमको बेकिंग सोडा डाल देना है। तो डाल देते हैं हमको। 15 मिनट बाद में आ चुका हूँ, तो अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ ताकि और सूख जाए। तो बेकिंग सोडा इसमें मिक्स करने के बाद हमको इसमें तेल, दो बूंद के तेल इसमें आके मिक्स करना है। तो मैं तेल से मिक्स कर ले रहा हूँ। जैसे मिक्स होगा वो उबलने लग जाएगा तेल। तो अब हमने जो ये पेस्ट या जो सूजी बनाई है, अब हमको इसके अंदर ये डालना है। डाल देता हूँ। तो अब मैंने ये सब में डाल दिया है, इसको मीडियम गैस पर हमको पकाना कुक करना है और इसको 3 मिनट तक इसको कुक होने देना है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको 3 मिनट बाद। 3 मिनट तक ये पक चुका है। अब इसके अब जल्दी से सबके ऊपर एक एक ड्रॉप तेल डालना है। उसके बाद इनको पलटना है क्योंकि ऊपर से भी इनको कुक करना है। जल्दी मैं डालता हूँ। अब इसके बाद तेल लगाने के बाद सब पे हमको इनको पलटना है। तो अब आप देखो, देख सकते हैं कि ये ऐसे दिख रहा है, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये सब कुछ पलट दिए हैं। अब हमको इसको ढकना है और 3 मिनट तक कुक होना है, कुक करना है दूसरी साइड से। और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ 3 मिनट बाद जब ये कुक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कुक हो चुके हैं। मैं पीछे से दिखना इसको उल्टी साइड से दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं कुक हो चुके। तो मैं आपको इनको एक प्लेट में डालने के बाद मिलता हूँ। तो ये अब हमारा रेडी है। मैं देखो ये मैंने प्लेट में भी निकाल दिया है। तो आप इसको सॉस, मीठी चटनी, हरी चटनी किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।